हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है उसकी थर्ड पोयम कमिंग, जिसका नाम है जिसके पोइट हैं फिलिप लार्किन। ये आपकी थर्ड पोयम है। दो पोयम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपने अगर वो पोयम्स या फिर इलेक्टिव बुक वोवन वर्ड्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो नहीं किए हैं अभी तक, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप वो डिस्क्रिप्शन का लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो को भी पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम से पहले फिलिप लार्किन का थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, यानी कि उनके बारे में जान लेते हैं। तो फिलिप लार्किन जो पोइट हैं उनका जन्म हुआ था कन्वेंट्री इंग्लैंड के अंदर, जन्म हुआ था उनका, बर्थ हुआ था 1922 को एंड इन 1985 ही पास अवे। सो ही इज़ वेल नोन एज अ लीडर ऑफ मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री इन द 50s, यानी कि लगभग 1950 के टाइम के आसपास क्या था, एकदम से ही इन्होंने ये किस लिए प्रचलित हुए, यानी कि फेमस किस लिए हुए, एज अ लीडर ऑफ मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश पोइट्री के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रांति सी ला दी थी, मतलब एकदम से चढ़ाव सा दे दिया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे उसकी वजह से। सो द प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ फिलिप लार्किन आर द नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव्ड, द वाइट सन वेडिंग एंड द हाई विंडोज। तो उनके जो फेमस रहे, यानी कि फेमस वर्क थे उनके, वो कौन कौन से थे, द नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव्ड, द वाइट सन वेडिंग्स एंड द हाई विंडोज। और ये जो हम पोइट्री पढ़ेंगे, ये पोएम पढ़ेंगे, ये किससे ली गई है, ये वॉल्यूम से ली गई है, द लेस डिसीव्ड से। और ये फेमस किस किस के लिए थे, कौन कौन से इनकी थीम्स के लिए फेमस रहे, हिज थीम्स लव, चेंज, डिसेंचमेंट, इज मिस द मिस्ट्री, द इन एक्सप्लिकेबलेंस ऑफ द पोइट सर्वाइवल एंड डेथ, इनएविटेबिलिटी आर यूनिवर्सली लाइक्ड बाय द रीडर्स। यानी कि पढ़ने वाले जितने भी थे, इनके चाहने वाले थे, उन्होंने इन सभी चीज़ों को, इन्होंने ये चीज़ें जो लिखी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया इनको। सो द अबव पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वॉल्यूम द लेस रिसीव्ड विच एस्टेब्लिशेज किनशिप विद द एनवायरमेंट। और ये वाली जो पोयम है ये किससे ली गई है, द लेस डिसीव्ड जो इनका वॉल्यूम है उससे ली गई है, एस्टेब्लिश अ किनशिप विद द एनवायरमेंट। अब किनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप, यानी कि ये पोयम किससे जोड़ती है, हमें एक एनवायरमेंट से जोड़ती है। ये वॉल्यूम है, कलेक्शन है पोयम्स का, जिससे कि ये लिया गया है, ये पोइट्री सेक्शन लिया गया है, और ये हमें किससे जोड़ती है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है एनवायरमेंट से। और इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि ये क्या डिस्क्राइब करती है, इट डिस्क्राइब्स पोइट्स मूड एट द एंड ऑफ विंटर एंड कमिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें जितना भी रहेगा मेनली वो किस बारे में रहेगा, कि जो विंटर का सीज़न है वो एंड हो रहा है और जो कमिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का सीज़न है वो आने वाला है, उसकी खुशी है इस चीज़ की। इसकी एक लाइन और भी है मेन, वो किस बारे में है, मतलब इससे मिलती जुलती लाइन है, दैट इफ़ विंटर कम्स, मैं यहाँ पर साथ साथ लिख भी देता हूँ, That if winter comes, can spring be far behind? Can spring be far behind? अब इसका क्या मीनिंग है, कि अगर विंटर आती है तो क्या उसके पीछे पीछे स्प्रिंग नहीं आएगा, पतझड़ का मौसम नहीं आएगा, सॉरी बसंत ऋतु नहीं आएगा। विंटर को यहाँ पर लिया गया है दुखों से और स्प्रिंग को लिया गया है सुख से, कि यानी कि अगर दुख आएंगे तो उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ सुख भी तो आएंगे, तो उससे रिलेटेड ही ये पोएम है। और इसमें क्या है, जो पोइट है वो एज ए चाइल्ड अपना जो चाइल्डहुड है वो बोरिंग सा चाइल्डहुड है वो भूलना चाहता है। तो चलिए पोएम कमिंग जो है उसे स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 19 लाइंस हैं, 19 लाइन है जिन्हें हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहली 9 लाइंस और फिर 10 लाइंस, ये दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, उनमें भी हम डिवाइडेशन करेंगे, पर चलिए मेन दो यही रहेंगे, 9 और 10 लाइंस। सो ऑन लॉन्गर इवनिंग्स लाइट चिल एंड येलो बाथेस द सीरीन फोरहेड्स ऑफ हाउसेज। तो पहली चार लाइंस है ये, कि यानी कि अब लॉन्गर इवनिंग्स कब होती हैं, यानी कि जैसे दिन बड़े होते हैं, दिन गर्मियों में बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, उसी तरह दिन छोटे होते हैं सर्दियों में और शामें जो है वो लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। मतलब ये टाइम कब का था, ये विंटर का सीज़न है, ठंड का समय है,
यानी कि ये ठंड के समय की बात हो रही है कि ठंड के समय की जो शाम है वो कैसी है, लाइट चिल एंड येलो, वो चिल है यानी कि ठंडी है, कोल्ड है, क्योंकि विंटर का सीज़न है तो शाम ठंडी ज़रूर होगी यानी कि ठंड का मौसम रहेगा। तो वो शाम जो है वो ठंडी है। और लाइट कैसी है, लाइट है येलोइश। येलोइश का क्या मतलब है, डिम है। यहाँ पर लाइट से मीनिंग आया, लाइट और येलो से मीनिंग आया डिम है, यानी कि जो शाम का समय होता है वो थोड़ा ठंडक भरे लिए होता है और लाइट जो है वो हमें धुंधली प्रतीत होती है धुंध की वजह से। तो यहाँ पर येलो उस वजह से ही आया ताकि हम थोड़ा धीमापन, डिमनेस दिखा सकें। तो शाम जो है वो लंबी है, ठंडी है, और लाइट कैसी है, वो येलोइश है यानी कि थोड़ी बहुत डिम है। बाथ इज द सिरिन फॉर हेड्स ऑफ हाउसेस। अब सिरिन का यहाँ पर मैं आपको मतलब बता देता हूँ। सिरिन का मतलब क्या होता है, काम एंड क्वाइट, यानी कि काम यानी कि शांत होना। सिरिन का मतलब होता है शांत। और फोर हेड ऑफ हाउसेस का मीनिंग है कि जो घर की छतें हैं, घर के ऊपर का किनारा है, फ्रंट हिस्सा है। फोर हेड हमारा मतलब बॉडी पार्ट में एक पार्ट होता है जिसे हम माथा कहते हैं। तो वो माथा हमारा फ्रंट व्यू होता है हमारे फेस का। उसी तरह जो फोर हेड ऑफ हाउसेस से मीनिंग है कि हमारे जो घर का फ्रंट व्यू है उससे बात की जा रही है। दैट बाथ इज द सिरिन फोर हेड ऑफ हाउसेस, कि वो क्या है, नहला रही है। बाथ इज एक वर्ब है, बात का मीनिंग होता है नहाना, या और बाथेस का मीनिंग यहाँ पर है नहलाना, कि वो नहला रही है उन शांत शांत पड़े घर के ऊपर के हिस्सों को या घर के फ्रंट के हिस्सों को। अब क्या नहला रही है, लाइट, यानी कि लाइट जो है वो एकदम से, या तो हम धुंध के वजह से ले सकते हैं कि धुंध की वजह से वो ऊपर के हिस्से जो है वो थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लाइट है वो सीधा हमारे घर के फ्रंट पर पड़ रही है, फोरहेड पर पड़ रही है, जिसकी वजह से वो क्या है, थोड़ा अलग सा प्रतीत हो रहा है, थोड़ा काम और क्वाइट सा दिखाई दे रहा है। इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ, थर्ड फोर्थ लाइन को, कि घर के जो शांत पड़े हुए जो फ्रंट पोर्शन है घर के आगे का, वो क्या है, मानो उन्हें जो रोशनी है वो क्या कर रही है, नहला रही हो, बात करवा रही हो, ये मीनिंग है। सो नेक्स्ट लाइन्स है, अ थ्रस्ट सिंग्स लॉरेल सराउंडेड इन द डीप बेयर गार्डन, इट्स फ्रेश पील्ड वॉइस एस्टोनिशिंग द ब्रिक वुड। तो ये नेक्स्ट फाइव लाइन्स होगी, इनमें आपको कुछ मीनिंग्स है वो बता देता हूँ। थ्रस्ट जो है वो एक सिंगिंग बर्ड होता है, लॉरेल एक झाड़ी होती है, एक तरह से हम श्रब या बुश कह सकते हैं, और सराउंडेड यानी कि घिरा होना। उसके बाद है बेयर गार्डन, गार्डन आपको पता ही है बगीचा कहते हैं हम, और बेयर क्या है, बेयर, हम बेयर गार्डन का मीनिंग यहाँ पर सीधा सीधा आ रहा है। बेयर गार्डन का मीनिंग है लीवलेस, बेयर का मीनिंग होता है खाली, और बेयर गार्डन का मीनिंग है लीवलेस ट्रीज, यानी कि जिनकी पत्तियाँ अब नहीं है, चढ़ चुकी हैं। और नेक्स्ट है पील्ड, पील्ड का मतलब होता है छीलना या छीला होना, लेकिन यहाँ पर फ्रेश पील्ड वॉइस आया, तो फ्रेश पील्ड वॉइस का पूरा मीनिंग क्या है, फ्रेश शार्प वॉइस, यानी कि तीखी सी फ्रेश वॉइस, यानी कि एकदम से साफ वॉइस होना जिसे कहते हैं हम। एस्ट्रोनिशिंग का मीनिंग है सरप्राइजिंग, और ब्रिक वर्क का मीनिंग यहाँ पर आएगा हाउसेस से, घरों से। तो चलिए ये पांच लाइंस को देखते हैं। अ थ्रस्ट सिंग्स लॉरियल सराउंडेड इन द डीप बेयर गार्डन, इट्स फ्रेश पील्ड वॉइस एस्टोनिशिंग द ब्रिक वुड। अब एक बर्ड है जो कि अपने गीत गा रही है, जो कि कहाँ छिपी हुई है, किससे घिरी हुई है, लॉरियल जो झाड़ियाँ हैं उनके उससे पूरा घिरी हुई है, और ये झाड़ियाँ जो है वो कहाँ हैं, इन द डीप बेयर गार्डन, ये झाड़ियाँ कहाँ हैं, जो बगीचा है, बगीचे में जो पेड़ हैं जिनकी पत्तियाँ जो अब झड़ चुकी हैं उनके बीच में कहीं बीच में ही है। और एंड इट्स फ्रेश, अब इट्स किस लिए आया, इट्स आया यहाँ पर एक थर्स्ट बर्ड के लिए। तो उस बर्ड की जो आवाज़ है वो कैसी है, काफ़ी ज़्यादा तीखी सी और फ्रेश वॉइस है, यानी कि इतनी फ्रेश है, शार्प वॉइस है उसकी, कि एकदम से क्लियरली सुनाई दे रही है। और वो सुनाई किसको दे रही है, एस्टोनिशिंग द ब्रिक वुड, एस्टोनिशिंग यानी कि सरप्राइजिंग करना, मैंने आपको भी बताया। तो वो उसकी जो तीखी सी शार्प वॉइस है, फ्रेश वॉइस है, वो उन घरों में रहने वाले, ब्रिक वर्क का प्रॉपर मीनिंग है कि जो लोग हैं वो घरों में रह रहे हैं, जिनकी हमने ऊपर यहाँ पर हाउसेस जो है वो बात की थी, तो उन घर में रहने वाले लोगों को क्या है, सरप्राइज कर रही है उस बर्ड की, उस थ्रस्ट बर्ड की वॉइस। ये पहली नाइन लाइंस हो गई हैं। अब नेक्स्ट
10 लाइंस में पहली 2 लाइंस का मीनिंग अलग आएगा, दैट इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा विंटर से क्या मीनिंग रहेगा, दुख से रहेगा, और स्प्रिंग से क्या रहेगा, खुशी से रहेगा, यानी कि सुख से रहेगा, यानी कि अगर दुख आएंगे तो उसके बाद सुख भी जरूर आएंगे। तो वहाँ विंटर को दुख बताया गया और यहाँ पर स्प्रिंग को क्या बताया गया है, सुख। और जो बर्ड है, थ्रस्ट बर्ड है, वो क्या गाना गा रही है, ये 2 लाइनें ही रिपीट कर रही है, दैट इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, यानी कि ये वो बर्ड है, उसका जो गीत है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। एंड आई हूज चाइल्डहुड इज अ फॉरगॉटन बॉर्डम फील लाइक अ चाइल्ड हु कम्स ऑन अ सीन ऑफ एडल्ट रिकनसीलिंग एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग बट द अनयूजुअल लाफ्टर एंड starts to be happy। और अब यहाँ पर पोइट खुद के बारे में बात कर रहा है, आई से यहाँ मीनिंग आता है पोइट खुद का, पोइट के खुद का। हुज चाइल्डहुड इज अ फॉरगॉटन बोर्डम, यानी कि जिसका जो बचपन था वो पूरा बोरियत भरा था, बोर्डम यानी कि बोरियत होना, और फॉरगॉटन जो भुलाया जाता है, यानी कि पूरा बोरियत भरा था और याद नहीं रखे जाने वाला जो बचपन था। फील लाइक अ चाइल्ड Who comes on a scene of adult reconciling। अब वो कैसे फील कर रहा है, वो एक बच्चे की तरह फील कर रहा है पोइट, पोइट जो है यहाँ पर वो बच्चे की तरह प्रतीत करना चाह रहा है, शो करना चाह रहा है खुद को। Who comes on a scene of adult reconciling। और अब वो किस सीन पर आ गया है, मतलब कौन सा दृश्य जो है वो खुद पे महसूस कर रहा है, क्या सीन वो खुद के दिमाग में ला रहा है, जिससे कि वो क्या है, एक एडल्ट के रूप में, एडल्ट यानी कि अप्रोक्सीमेटली 21 ईयर ओल्ड मान सकते हैं हम, कि जो एक एडल्ट के रूप में क्या है वो एडजस्टमेंट कर सके। रिकनसीलिंग का मतलब होता है मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्ट करना, कि वो एक एडल्ट एक नियर बाय 21 ईयर ओल्ड के रूप में क्या है वो एडजस्ट कर सके। वो अभी एक बच्चा है, लेकिन उसका जो चाइल्डहुड था वो कैसा था, वो बोर्डम था, पूरा बोरियत भरा था, और अभी भी वो कैसा महसूस कर रहा है कि वो बच्चा होने के बावजूद भी वो किस तरह का महसूस कर रहा है, एक एडल्ट की तरह, जो कि किसी ना किसी कंडीशन से क्या है एडजस्टमेंट ही करता रहता है। उस सीन को वो प्रीव्यू कर रहा है, उस सीन को वो देख पा रहा है। एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग, अब वो क्या है, वो एक चाइल्ड है तो वो क्या है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो कैसे प्रिटेंड कर रहा है, कैसे दिखावा कर रहा है कि वो सब कुछ एडजस्ट कर रहा है सभी चीज़ों से, उसका जो बचपन है वो पूरा बोरियत भरा है। बट द अनयूजुअल लाफ्टर एंड स्टार्ट्स टू बी हैप्पी, लेकिन अचानक से क्या है, एक अजीब सी जो बचपने वाली जो उसकी हंसी है वो निकल जाती है, और वो सोचने लग जाता है कि वो किसी ना किसी तरह हर एक चीज़ में कैसे खुशी ढूंढे, यानी कि खुश रह सके, या फिर वो खुश होने लग जाता है हर एक चीज़ में। तो ये एक पोएम थी फिलिप लार्किन की, ये मेनली एक कलेक्शन है पोएम्स का, द लेस डिसीव्ड उसका एक पार्ट है, जिसमें किनशिप यानी कि रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बाकी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज ऐसे वगैरह देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वो लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।